हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा मेरा शॉर्ट्स। और आज मैं आ चुकी हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मैं बनाने वाली हूँ पालक मटर और पनीर की सब्ज़ी। आपने पनीर मटर और पालक पनीर की सब्ज़ी तो हमेशा खाई ही होगी। आज मैं तीनों को मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दी है मैंने फ्रेश पालक। पालक को हम अच्छे से धो देंगे और धोने के बाद उबलने के लिए रख देंगे। तब तक के हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मटर छील के अलग कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पनीर को काट रही हूँ। पनीर का शेप आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं पनीर के। मैं आज सब्ज़ी में पनीर कच्चा ही डालने वाली हूँ। अगर आपको इसे सब्ज़ी बनाने से पहले फ्राई करना है तो आप इसे फ्राई करके भी रख सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पर 2 प्याज और उसके साथ ली है मैंने 3 कच्ची मिर्चियाँ जो कि मैंने जार पे डाल दी है। प्याज मिर्ची को हम ग्राइंड कर लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। पालक जो हमने उबलने के लिए रखा हुआ था तो साथ ही साथ वो भी उबल चुका है। तो ग्रेवी के लिए जब हम प्याज और मिर्ची पीस लेंगे उसके बाद हम पालक को भी पीस कर अलग से रख देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डाला है मैंने ऑयल। जब गर्म हो जाएगा तो उस पर डालने लगी हूँ मैं तेज़पत्ता और डाल रही हूँ मैं यहाँ पर जीरा। जीरा और तेज़पत्ता जब सीख जाएगा तो मैं ग्रेवी के लिए यहाँ पर जो हमने प्याज और मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। और लहसुन और अदरक का पेस्ट हमेशा मैं बाहर से ही लाया हुआ डालती हूँ तो मैंने वो डाल दिया है। अगर आपको पीस के डालना है तो आप प्याज और मिर्ची के साथ लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं और सबको एक साथ पीस सकते हैं। जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डाल रही हूँ मैं मटर। मटर को भी थोड़ा सा पहले डाला जाता है ताकि मटर अच्छे से पक सके। जब मटर थोड़ा सा पकने लग जाए तब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला। सारे मसाले मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं। अब सबको हम अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो कच्चे न रहे, पक जाएं। 5 मिनट के बाद ही हमें ढक्कन हटाकर चेक करना है कि मसाले और मटर अच्छे से पके हैं या नहीं। अगर मटर पक चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे पालक जो कि हमने उबाल के पीस के अलग करके रखा हुआ है। पालक को उबालने के बाद भी पालक में थोड़ा सा कच्चापन होता है, इसीलिए पालक को भी मसालों के साथ थोड़ा सा पकाना ज़रूरी होता है जिससे कि पालक का कच्चापन ख़त्म हो सके। मसालों के साथ मिला के पालक को भी थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। जब पालक का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि पालक भी पक चुका है। अब हमें डालना है सब्जियों में टमाटर। तो टमाटर भी मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसका भी पेस्ट बना के मैंने रख दिया था पहले से ही। अब हम टमाटर को भी 2 मिनट तक के पकने देंगे। जब 2 मिनट हो जाएगा और टमाटर भी पक चुका होगा तो अब हमें सब्ज़ी में डालना है पनीर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पनीर को आपको बहुत ही ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है तो इसीलिए पनीर को मैं यहाँ पर मैं लास्ट में डाल रही हूँ। अब बस थोड़ा सा सब्ज़ी में उबाल आने देंगे और हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी के ऊपर आप पनीर का थोड़ा सा गार्निशिंग कर सकते हैं जिससे कि पनीर की सब्ज़ी खाने में तो टेस्टी होती ही है, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गाइज़, हमारी पालक मटर पनीर की सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से इजी रेसिपीज़ वीडियो चाहिए जो कि टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो तो आप लोग मेरे रिचा मेहरा शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी वीडियोस के साथ।